हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अपने प्रश्नावली नंबर 6 चल रही थी, जिसके अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने 4 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या पूछा गया क्वेश्चन से। 3 साइन 7 माइनस 4 साइन की क्यूब 7 डिग्री का मान ज्ञात करना है, वही मान का मतलब इसको हल करना है। तो देखो, अपने को पहले इसका जो साइन 7 है या फिर cos 7 है, कुछ नहीं हो, उन सभी का पहले मान रखना है सामने से टेबल से। तो 3 का 3, देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा कर साथ है। साइन सार, साइन सार का मान होता है रूट 3 बटा में 2। फिर माइनस का, माइनस 4 का 4। फिर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होगा। साइन की क्यूब 7, साइन की क्यूब 7, देखो साइन सार का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 2, तो लिखेंगे रूट 3 बटा 2। लेकिन यहाँ पर देखो 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये घात जो अपने यहाँ पर। अब इसको आगे रख लेते हैं, तो देखो इसके बटा में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे। आपको देखो बोर्ड मास नहीं है, पिछले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं, वहां से देख लेना, अपने आप में सीधा ही कर देंगे कि देखो 3 का रूट 3 से गुणा करना है, तो 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा 3 रूट 3, और 2 का 1 से गुणा करेंगे अपने पास में आ जाएगा 2 एकम 2, माइनस का माइनस, 4 का 4 गुणा। अब देखो रूट 3 बटा 2 की क्यूब है, वही की जितनी बार घात है उतनी बार ब्रैकेट वाली संख्या को गुणा में लिखना है, तो घात है 3, तो 3 बार इसको गुणा में लिख देते हैं। ये हो गया अपने पास में 1 बार, ये हो गया 2 बार, तो ये हो गया अपने पास में 3 बार। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो इसके बटे में कुछ नहीं, अपनी तरफ से लगा सकते हैं 1। अब हल करते हैं तो आ जाएगा 3 रूट 3 बटा में 2, माइनस का माइनस, इसको हल करते हैं। तो देखो आप इधर से करना कि रूट 3 का रूट 3 से गुणा करते हैं, क्या होता है 3, एक जैसी संख्या है तो गुणा करना है देखो, और एक जैसी संख्या है रूट वाली है तो उनका गुणा होगा, तो रूट हट जाएगा सीधा 3 आ जाएगा। फिर देखो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाएगा, और फिर 12 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 रूट 3। फिर 3 का रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया 3 आया, और 3 का 4 से गुणा किया 12 आया, और फिर 12 का रूट 3 से गुणा किया इससे, तो अपने पास में आएगा 12 रूट 3। अब घर वाला गुणा कर लेते हैं, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूने 4, और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 का 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8। ये अपना इस प्रकार इतना हल हो जाए। फिर आगे वो देखते हैं, इसको हल करते हैं, तो देखो ये भी अंश बटा हर के रूप में संख्या है, ये भी अंश बटा हर के रूप में संख्या है, यानी ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, और भिन्नों के बीच में निशान है माइनस का। जो माइनस और प्लस का निशान हो भिन्नों के बीच में, तो वहां पर लैस है, लेकर अपने को जोड़ कर डाल देना है सीधा, तो 8 और 2 का लैस है, लेकिन लैस का मतलब है इकट्ठा को गुणा करना, तो ये इकट्ठा को गुणा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 8 और 2 का करना है, तो 2 का जाएगा 4 बार, 1 बार, फिर 2 का, और फिर 2 का जाएगा, तो इधर जो संख्या है उनका गुणा करते हैं, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, यानी अपने पास में लैस आ जाएगा 8, वो अपने यहां पे। अब देखो 8 के ऊपर 2 का भाग डालेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का 3 रूट 3 से गुणा करेंगे, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे 4 की 12, और रूट 3, यानी 4 का 3 रूट 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 12 रूट 3, माइनस का माइनस, 8 पर 8 का भाग डालेंगे तो जाएगा 1 बार, और 1 का 12 रूट 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 रूट 3। अब देखो, अब अपने को जोड़ घटाव करना है, यहाँ माइनस का निशान है इसलिए इसका घटाव हो जाएगा। अब देखो इस संख्या का कितना निशान माइनस का है, लेकिन इसके आगे कोई निशान नहीं है, यानी ये संख्या जो है प्लस की है, तो प्लस और माइनस, यानी एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाव हो जाएगा, तो 12 रूट 3 में से 12 रूट 3 घटाएंगे आ जाएगा अपने पास में 0 बटा में 8, और 0 बटा 8 का भाग डालेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 0। यही अपने से पूछा गया था, ये अपना आ गया आंसर, यानी इसका मान पूछा गया था, यानी इसको हल करके इसका एक उत्तर निकाला था, उत्तर निकाल दिया अपने। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए। अगर कहीं से समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।